फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। PM मोदी ने आज UP में अन्न उत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में गरीबों को अन्न वितरित किया जा रहा है। इस मौके पर अयोध्या में CM योगी ने कहा कि आज हम PM अन्न योजना के साथ जुड़ रहे हैं। ये देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। राज्य के सभी जनपदों में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत जिला मेरठ में भी अनाज वितरित किया गया। मकबरा डिग्गी शांतिनगर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने यह कहा। देखिए, सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट ये स्लोगन है, नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को लेकर सरकार काम कर रही है। लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व या ऐसे लोग जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, अब वो कुछ ना कुछ खुराफात मचाकर इन योजनाओं को पति लगाने का काम करते हैं। सरकार ने बिना भेदभाव के ये योजना चालू की है और आप यहां देख सकते हैं कि जिस किसी का भी राशन कार्ड है, वो किसी जाति और बिरादरी का व्यक्ति हो, उसको वो ये निःशुल्क योजना के तहत राशन वितरण हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हम लोग लाभ ले रहे हैं और मेरा ये अनुरोध, मैं आपके माध्यम से भी, मैंने वैसे भी अभी कहा था, फिर कह रहा हूँ, मैं राशन डीलरों से भी ये कहना चाहता हूँ और राशन विभाग के अधिकारियों को भी चेताना चाहता हूँ कि सरकार ने हमको कार्यकर्ता के नाते इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा दे दिया है। एक भी परिवार जिसका कार्ड है वो निःशुल्क राशन से वंचित नहीं रहेगा। ऐसे लोग, ऐसे राशन डीलर, ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जो इस योजना को पलीता लगाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज में इस व्यक्ति के साथ खड़ा दिखाई देगा, वो किसी भी समुदाय का हो, जिसको इस राशन से वंचित किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।